जब 21 वर्षीय तानिया सिंह सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी तब एक दिन अचानक उनके अपार्टमेंट में आग लग गई, जिससे तानिया को हाई डिग्री बर्न हुआ और इस कारण 6 महीने तक वह कई सर्जरी, स्किन ग्राफ्ट और अपने कान के पुनर्निर्माण के लिए अस्पताल के अंदर और बाहर करती रही। ठीक से इलाज न होने के कारण इतने कठिन समय में उन्होंने अपना इलाज भारत में कराने का निश्चय किया और माता पिता सहित वो भारत अच्छे इलाज के लिए आ गई, मगर यहाँ इन्हें निराशा के सिवा कुछ हासिल न हो सका। तानिया के पिता ने कई अस्पतालों में बर्न वार्ड का दौरा किया और उन्होंने पाया कि इन अस्पतालों में स्थिति दयनीय है। आखिर स्थिति क्यों खराब है और कितनी खराब है, इस प्रश्न के उत्तर की खोज तानिया ने खुद ढूंढना शुरू किया और उन्हें एसिड अटैक पीड़िता की छवि मिली। तभी उन्होंने इन पीड़िताओं के लिए कुछ करने का निश्चय किया और फिर मेक लव नॉट स्कार्स नामक नई दिल्ली में पहला पुनर्वास केंद्र खोला, जो आज कई पीड़िताओं को तुरंत इलाज और उन्हें ठीक होने में मदद कर रहा है। तानिया ने लोगों तक रेशमा कुरैशी की कहानी बींग रेशमा द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ एन एसिड अटैक सर्वाइवर हु टेक द बर्ड बॉय स्टाम्प नामक किताब लिखकर पहुंचाई, जो पहली एसिड अटैक सर्वाइवर थी। तानिया को इन कामों के लिए कई अवार्ड मिले। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।